क्या आप जानते हैं कि यदि एक पशु ट्रेन से टकरा कर कट जाए तो रेलवे को कितना नुकसान होता है? क्या आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार सुमन और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अपना रेल। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। बेशक सुनने और देखने में ट्रेन से पशु कटने की घटना सामान्य लगती है, लेकिन ट्रेन से पशु कटने पर रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। जब भी पशु कटने के बाद ट्रेन रुकती है तो बिजली या डीजल का खर्च बढ़ जाता है। पैसेंजर और गुड्स ट्रेन से जानवर कटने का खर्च अलग अलग होता है। 2-3 साल में ट्रेन से पशु कटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके चलते 15 से 20 मिनट तक ट्रेन लेट हो रही है। अब इस नुकसान को विस्तार से समझते हैं। 13,400 रुपये से लेकर 20,459 रुपये प्रति मिनट का होता है नुकसान। अगर डीजल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 मिनट रुकती है तो रेलवे को 20,401 रुपये का नुकसान होता है। वहीं इलेक्ट्रिक ट्रेन से 20,459 रुपये का नुकसान होता है। इसी तरह डीजल से चलने वाली गुड्स ट्रेन को 1 मिनट रुकने पर रेलवे को 13,334 रुपये और इलेक्ट्रिक ट्रेन को 13,392 रुपये का नुकसान होता है। यह वो नुकसान है जो सीधे तौर पर रेलवे को होता है। अब ट्रेन में बैठे यात्रियों को कितना नुकसान उठाना पड़ता होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रेन से पशुओं के कटने की घटनाएं यूपी में सबसे अधिक होती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी पशुओं के ट्रेन से कटने की घटनाएं आम हो गई है। नॉर्थ ईस्ट में तो ट्रेन से टकराकर हाथी भी मर जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और YouTube चैनल अपना रेल को सब्सक्राइब करें।